ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज कक्षा अष्टमी विषय संस्कृत पाठ दो विलस्य वाणी न कदापि में श्रोता इस पाठ के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। पहला प्रश्न है उच्चारण कुरतः, यानी कि इन शब्दों को जो नीचे दिए हुए हैं उन शब्दों का बार बार उच्चारण करना है, उच्चारण का अभ्यास करना है। इसके बाद पहला दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए। कह है सिंहस्य नाम किम, सिंहस्य नाम किम, शेर का क्या नाम है। उत्तर खरन खर है, शेर का नाम खरन खर है। खै गुहाया स्वामी के आसी, गुफा का स्वामी कौन था। उत्तर है दधिपुच्छ श्रीगाले, गुहा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार था। गए प्रश्न है सिंह है कस्मिन समये गुहाया समीपे आगत, शेर किस समय गुफा के पास आता है। उत्तर है सूर्यास्त समय, सूर्यास्त होने के समय। घ है हस्तपादादिका क्रिया केसाम ने प्रवर्तन्ते, हस्तपादादिक हाथ और पैरों की जो क्रिया है वो किस आदमी की प्रवर्तित नहीं होती है, कब प्रवर्तित नहीं होती है। उत्तर है भय संत्रस्त मनसाम, जिनके मन के अंदर भय और त्रास डर होता है, भयभीत होते हैं, उनकी हस्तपादिक क्रिया परिवर्तित नहीं होती है। अणे है गुहाया के प्रतिध्वनिना, गुफा में से किसकी ध्वनि गूंजती है। उत्तर है सिंह है गर्जने, शेर के दहाड़ने की गर्जना करने की। तीसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्य उत्तर दे, इसमें क्या है खरण खरे कुत्र प्रतिवस्ति, इसमें खरण खरे कुत्र प्रतिवस्ति, इसमें अर्थ है इसका खरण खर कहाँ रहता था। उत्तर है खरण खरे वने प्रतिवस्ति, इसमें खरण खर वन में रहता था। खै महती गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत, बड़ी गुफा को देख करके शेर ने क्या विचार किया, शेर ने क्या सोचा। उत्तर है महतीम गुहाम दृष्ट्वा, बड़ी गुफा को देख करके सिंह अचिंत्यत शेर ने सोचा। नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीवे आगस्ति, नूनम यानी निश्चय, एतस्याम यानी इस गुहायाम यानी गुफा में, रात्रौ यानी रात्रि को अपि यानी कोई भी जीवे आगस्ति जीव आता है। उत्तर हुआ महति गुहाम दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीवे आगस्ति। गए प्रश्न है श्रीगाले किम अचिंत्यत, शेर ने क्या सोचा, शेर के मन में क्या विचार आया। उत्तर है श्रीगाले अचिंत्यत, शेर ने सोचा अहो विनिष्टो अस्मि, अरे मैं नष्ट हो गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहे अस्तीति तर्कयामि, मैं ऐसा सोचता हूँ कि इस बिल में शेर है। श्रीगाले कुत्र पलायित है, सियार कहाँ भाग जाता है। उत्तर है श्रीगाले तथे दूरम पलायित है, श्रीगाले यानी सियार, तथे यानी उसके बाद, दूरम यानी दूर, और पलायित यानी भाग जाता है, अर्थात श्रीगाले तथे दूरम पलायित है। अन्य प्रश्न है गुहा समीपम आगत्य श्रीगाले किम पश्यति, गुफा के पास में आकर के सियार क्या सोचता है। उत्तर है गुहाया समीपम आगत्य, गुफा के पास में आकर के श्रीगाले शेर सियार गुहायाम प्रविष्टा सिंहे पलपद्धति पश्यति, गुफा के पास में आकर के सियार ने गुफा में प्रवेश होने वाले शेर के पद चिन्हों को देखा। कै शोभते कौन शोभायमान होता है। उत्तर है यह जो अनागतम नहीं आया हुआ दुखश दुख है, जो नहीं आई हुई समस्या है, विपत्ति है, दुख है, उसका प्रतिकार जो करता है वह शोभते शोभायमान होता है। यह अनागतम
दुखस्य प्रतिकारम कुर्ते से शोभते। जो न आई हुई दुख को या न आई हुई समस्या का प्रतिकार पहले से करता है वह शोभित होता है। इस प्रकार इस पाठ के ये प्रश्न हैं जिनको आप कॉपी अपने गृह कार्य कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।